केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज पटना आ रहे हैं। दिल्ली का उनका सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी दिल्ली में जो मंत्रालय, राज्यसभा, तमाम चीजें उनकी खत्म हो चुकी है। आरसीपी बिहार से एक बार फिर से राजनीति करेंगे। बिहार से आरसीपी का नाता पुराना है, और ये पुराना नाता हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो काम कर रहे थे, अब एक बार फिर से उसी स्थान पर आ रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ एनडीए के अंदर मतभेद जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है, जो झलक रही है, इसको लेकर अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी मांगों को दोहराई है। उन्होंने कहा है कि अब एनडीए गठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देनी चाहिए। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के बनाए जाने के बाद एनडीए गठबंधन में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा फैसला कब लिया जाना है, और सभी लोगों को साथ बिठा कर फैसला ले लिया जाएगा। अक्सर जीतन राम मांझी का दर्द छलक कर बाहर आता है। पिछली बार जब जीतन राम मांझी से ये सवाल किया गया था कि क्या आप एनडीए में खुश हैं, तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि एनडीए में दम घुटता है, लेकिन नीतीश कुमार हैं इसलिए एनडीए के हम साथ हैं। जीतन राम मांझी ने इस बयान के जरिए स्पष्ट करना चाहा था कि राज्यसभा एमएलसी चुनाव में उन्हें टिकट लगातार नहीं दिए जाने, किनारा किए जाने और बिना बातचीत के प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर वो काफी नाराज हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के लिए मुसीबत आरसीपी सिंह पटना आ रहे हैं, और एनडीए के लिए मुसीबत जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं। मांझी का ये बयान कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के तरफ से प्रासंगिक है, और उनकी मांगे जो हैं वो भी जायज है, ये पार्टी के तमाम नेताओं ने बताई है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इस पर हामी भरी है और कहा है कि ऐसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड का जो पूरा परिवार है वो मांझी जी के साथ है। मांझी जी की अगर मांगे हैं तो मानी जानी चाहिए, ताकि सभी लोग साथ बैठकर गठबंधन का फैसला कर सके, सभी लोग साथ बैठकर ये फैसला कर सके कि बिहार की सियासत कैसे करनी है। ऐसे में एक बार फिर से मांझी ने बड़ा बयान दिया है, और उधर आरसीपी सिंह पटना लौट रहे हैं। आरसीपी के पटना लौटते ही जदयू में हलचल तेज हो जाएगा, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के इस बयान से हलचल एनडीए में तेज हो चुकी है कि क्या मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करके एक बार फिर से गठबंधन को तोड़ डालेंगे क्या। इसके पहले जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन में की थी, लेकिन जब ये मांगे नहीं मानी गई उसके बाद जीतन राम मांझी पाला बदल कर एनडीए गठबंधन में आ गए। ऐसे ही फिर से एक बार कयास लगाए जा रहे हैं कि मांझी इन तमाम चीज़ों को अब कहीं ना कहीं बारीकियों से देख रहे हैं, और उनकी जो मांगे हैं वो मांग अब कहीं ना कहीं सार्वजनिक पटल पर उठने लगी हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के उमेश कुशवाहा भले ही प्रदेश में लगातार दौरा करें या उपेंद्र कुशवाहा लगातार दौरा करें, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बतौर उन्हें अगर बोल चुके हैं तो कहीं ना कहीं मांझी के समर्थन में जदयू है। अब आने वाले दिनों में भाजपा को फैसला करना है कि क्या भाजपा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी या मांझी के अल्टीमेटम को बार बार परखने की कोशिश की जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।